साथियों, स्वागत है आपका जेएनवी स्टूडेंट टेक यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी खतौनी के जो खातेदार हैं उनका अंश का निर्धारण कैसे करेंगे, यानी उनका हिस्सा कसी कैसे करेंगे। इसके बारे में आज विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, सबसे पहले हमको ये करना है कि उस खतौनी में कितने खातेदार हैं इसको देख लेना है। और आइए मैं एक सजरा बना करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। सजरे के हिसाब से पहले सजरा दिखा देता हूँ, उसके बाद खतौनी दिखाता हूँ आपको। खतौनी देख ही रहे हैं, ये सजरा मेरा है। जैसे एक हरदीन थे, उनके दो बच्चे थे, एक लखन थे, एक गुरु थे, एक मोहबली लखन के लड़के, राजबली लखन के लड़के, कन्हैया लाल सिकंदर राजबली के लड़के, मोतिल और सुदर्शन गुरु के लड़के। इस तरह से आप देखे हैं। अब एक खतौनी देखिए, खतौनी में आप देख पा रहे होंगे मोतिल और सुदर्शन है, पिता का नाम गुरु है और महाबली लखन है, कन्हैया लाल और सिकंदर हैं राजबली के लड़के। इसमें मैं एक खाता के गाटा संख्या 22 के बारे में करने वाला हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वहां जाने के बाद में जो काश्तकार होंगे उनसे पूछेंगे कि लखन गुरु में क्या संबंध है, तो लोग ये बताएंगे कि लखन और गुरु दोनों भाई हैं। और तब पूछा जाएगा कि लखन के पिता का क्या नाम, गुरु के पिता का क्या नाम, तो बताएंगे हर दिन या जो भी नाम होगा, वो ABCD कुछ भी रहेगा उसको बताएंगे। उसके बाद में हम वहीं से शुरू करेंगे हर दिन से, कि हर दिन के दो बच्चे लखन और गुरु। अब लखन के कितने बच्चे, लखन के दो लड़के मोहबली और राजबली। इसी तरह गुरु के बच्चों को लिख लेंगे, गुरु के कितने बच्चे, मोतिल और सुदर्शन दो बच्चे। अब इसमें राजबली भी मृतक हो गए हैं, राजबली के दो लड़के कन्हैया लाल और सिकंदर। अब इन्हीं के बारे में हमको हिस्सा कसी करना है, तो हिस्सा कसी कैसे करेंगे। सबसे पहले ये निर्धारित कर लें कि दो लड़के कितना कितना हुआ। मैं आइए मैं इसको विस्तृत रूप से बताता हूँ कि कैसे होगा। जैसे हर दिन के हैं, हर दिन अकेले थे, उनके दो बच्चे हुए लखन और गुरु, तो आधा में लखन आधे में गुरु। जैसा कि मैं लिख करके आपको बताता हूँ, तो लखन का आधा हो गया 1/2 भाग, हाँ, और इसी तरह गुरु का भी आधा हो जाएगा 1/2 भाग, कर दीजिएगा। अब लखन के दो लड़के हैं और गुरु के भी दो लड़के हैं, तो 1/2 में दो भाग करेंगे तो यानी 1/4, 1/4 भाग, तो मोहबली का हमारा 1/4 भाग हो जाएगा, 1/4। इसी तरह राजबली का भी 1/4 भाग। अब गुरु के दो बच्चे हैं, तो जिसमें ये राजबली को बता दें पहले, राजबली मृतक हो गए हैं। अब इनके दो लड़के हैं कन्हैया लाल और सिकंदर, तो 1/4 में दो भाग, तो 1/4 का दो भाग, तो 1/8 और 1/8 भाग हो गया। इसी तरह गुरु के बच्चों का निकाल लीजिए, मोतिल और सुदर्शन है, तो 1/2 में दो लोग, तो 1/4 भाग मोतिल का, 1/4 भाग सुदर्शन का। अब हम इसको चाहें दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तो टोटल रकबा हम देख लेते हैं कितना है। टोटल रकबा देख पा रहे होंगे 33 शेयर का है, जिसमें लखन का भी आधा है और गुरु का आधा है, तो आधा आधा पहले निकाल सकते हैं। तो पहले हम लखन का देख लेते हैं, आधा 2 से भाग करेंगे तो 16.5 यानी 16.5 शेयर हो जाएगा, तो 4 अंक तक लिया जाता है। ऐसे इनका भी हो जाएगा, गुरु का भी हो जाएगा, गुरु का भी हो गया 0.0165 शेयर। अब मोहबली का निकालना है और राजबली का निकालना है, तो चाहें तो हम आधा आधा कर लें, 1/2 में दो भाग हो जाएगा यानी आधा फिर आधा, फिर दोनों का निकालें। नहीं तो टोटल जो लास्ट में आए हैं, जैसे मोहबली कितना है, कन्हैया लाल सिकंदर, मोतिल और सुदर्शन, इन सबका रकबा सीधे जैसे 1/4 भाग है उससे भाग कर दीजिए 33 में, जो है उसको लिख दीजिए। ऐसे ही 1/4 मोतिल का है, उससे भाग कर दीजिए 33 में, जो है उसको लिख दीजिए। ऐसे ही सुदर्शन का भी कर दीजिए, कन्हैया लाल का भी कर दीजिए, सिकंदर का भी कर दीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 से भाग दे देते हैं 33 में, भाग कर दीजिए। 33 में भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 4/32 यानी 0.008, 4/32 एक बचा और बटे 33 है, तो 33 में 4 से भाग कर देख लेते हैं एक बार, तो 4/32 पहले 0.000 4/32 हो गया और बचा 1 10, तो 4×2 8, 4 अंक तक ही लिखा जाता है, 4×2 8 हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ लिख दीजिए 0.0082, ऐसे ही मोतिल का लिख दीजिए 0.0082 और मोहबली का भी इसी तरह से लिख देंगे। हम जितने 1/4 के हिस्सेदार हैं सबका इसी तरह से लिख देते हैं 0.0082 इनका भी लिख देते हैं। अब कन्हैया लाल और सिकंदर का बचा तो 8 से भाग कर देते हैं 0.33 में 8 से भाग कर देते हैं। तो जब इन लोग का 82 आया है तो उन लोग का 41 आना चाहिए, 0.0041 आना चाहिए, इनका भी आ जाएगा 0.0041। अब हम क्या करेंगे, सबका निकल गया, अब सबका निकल गया तो हम सबको पहले ऐड कर लेते हैं, जैसे 0.82, 0.41, 0.82 सबको जोड़ लेते हैं ऊपर नीचे रख करके कि क्या ये 33 के बराबर है। अगर रकबा बैठ जा रहा है तो यानी ये सही है, अगर कम पड़ता है तो हम सबसे जो कम वाले होते हैं उसी में ऐड कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। अन्यथा ऐसे भी कर सकते हैं कि लखन वाले और घुरहू वाले दोनों में एक एक बढ़ा देते हैं। तो हम ये जोड़ रहे हैं, देखिए तीन लोग 82 0.008282 पाए हैं और 2 लोग 0.004141 पाए हैं। अब जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं 2 2 4 2 3 6 2 8 हो गया और 8 4 24 4 28 4 32 हो गया, 8 4 32। हाँ, ये जोड़ने पर हो गया 32, यानी 0.0328। अब हमको होना चाहिए कितना, 33 होना चाहिए, यानी 2 कम पड़ रहा है। तो जो 2 कम पड़ रहा है उसको क्या करेंगे, उसको करने के लिए हम चाहें तो इसी दोनों में एक एक बढ़ा देते हैं। अब जोड़ लेते हैं 2 पचे 10 के 0 हासिल 1 और 8 24 4 28 4 32 1 33। तो यहाँ अब हमारे सामने हो गया रकबा बराबर 33 है। इस तरह से आप भी अपने जिसका भी करना चाहते हैं हिस्सा कसी कर सकते हैं, और अगर एक ही पिता के सारे लोग हैं तो सबको बराबर बराबर हिस्सा दे करके हम उसका अंश निर्धारण कर सकते हैं। तो अभी अगर आप खतौनी बना रहे हैं या आप किसी का भी हिस्सा निकालना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।